बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज शादमानी किचन में बहुत ही मज़े का बनने जा रहा है चिकन बर्रक विद ग्रेवी, क्योंकि रमज़ान है तो बहुत अच्छा अच्छा खाने का और खिलाने का मन करता है। तो ये स्पेशल रेसिपी रमज़ान के लिए, तो यहाँ हम इसका मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं चिकन का। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हमें चाहिए यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून, 1/4 टीस्पून चाहिए हमें हल्दी, 1 टेबल स्पून भर के हमें चाहिए यहाँ पर धनिया पाउडर, और यहाँ पर हमारे पास है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और ये है 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला पाउडर, और मेरे पास यहाँ पर है हरे धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट, ये जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा नमक, 1 टेबल स्पून भर के इसमें जाएगा जीरा पाउडर, 1 टीस्पून जाएगी इसमें मेथी, कसूरी मेथी जो मैंने क्रश की है वो जाएगी इसमें। अच्छा जी, इसमें जाएगा 1.5 नींबू का रस, और इसमें जाएगी हमारी 1 कटोरी दही। ये इसका मैरिनेशन बना लेंगे हम बहुत अच्छा सा। कलर के लिए जाएगा इसमें रेड ऑरेंज कलर फूड, इससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा हमारे बर्रे पर। बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा मैरिनेशन, चिकन बर्रे का मैरिनेशन बन चुका है। तो बस ये मिक्स हो चुका है अच्छे से हमारा मसाला। तो यहाँ मेरे पास है बड़े पीसीज में चिकन के पीसीज हैं यहाँ मेरे पास, जिनमें मैंने गहरे कट लगा लिए हैं, ये रहे, ये बड़े पीसीज हैं ताकि मसाले इनके अंदर तक जाएं। तो इनमें आप कट लगा लीजिएगा। ये बहुत अच्छे से धुला हुआ चिकन है। अगर आपको चिकन की धोने की वो चाहिए रेसिपी, तो वो नीचे लिंक में मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये बड़े पीसीज में कटा हुआ चिकन है, ये सब मसाले इस पर हम कोट कर देंगे बहुत अच्छे से, हाथों की मदद से, उंगलियों से बहुत अच्छे, ये जो हमने कट लगाए हैं इनके अंदर अच्छे तरह से इसको कोट करना है हर एक पीस को। यहाँ ये मेरे पास 1.25 किलो चिकन है, ये मेरे पास बहुत अच्छे से कोट करना है इनको मसालों के साथ। तो बस ये मैंने बहुत ही अच्छे से मसाला इस पर रब कर दिया है, चिकन को बहुत अच्छे से मसाज कर दिया है। अब इसे मैं रख दूंगी 1 घंटे के लिए, 1 घंटे बाद मैं इसको बनाऊंगी। आप इसे चाहें तो कम से कम आधा घंटा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। थोड़े बाद बनाऊंगी मैं। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना भूल गई थी, तो मैं अब शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। ये 2 चम्मच भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। बस ये सब चीज़ें मिला के इसमें रख देनी है हमें ढककर। तो यहाँ ये हमारा चिकन मैरिनेट हुए हुए हो गए हैं, इसे 1 से 1.5 घंटा हो गया। तो मैं अभी चिकन के पीसेस सारे, ये मैंने एक तवा ले लिया है नॉनस्टिक, इस पर थोड़ा सा तेल डाल दिया है मैंने 2 से 3 टेबल स्पून, और अब इस पर ये सारे पीस मैं अरेंज कर दूँगी। तो ये सारे पीस मैंने इस पे अरेंज कर दिए हैं। अब मैं इसे 1-2 मिनट बाद पलटूंगी, और ये जो इसका मैरिनेशन है आप इसे संभाल के रखें, क्योंकि अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो ये हमारे काम आएगा। तो बस मेरे 1 मिनट हो गया इसे रखे हुए, तो मैं इसको पलट दूंगी। देखिए दरमास आने लगे हैं, 1 से 2 मिनट पलट के इधर से सेकना है दूसरी साइड से। तो बस मैंने इसको पलट दिया है। अब मैं इसे 10 से 12 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर लिड लगा, तो बस ये मैंने लिड लगा दी है। मैं इसे लिड लगाकर 10 से 12 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर इसको पकाऊंगी, अपने जूसेस में ही पकेगा। तो बस ये इधर हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं, इधर हमारा चिकन पक रहा है, और इधर मैंने एक कोयला रख दिया है चारकोल बनाने के लिए, और इधर मैंने कढ़ाई रखी है इधर मिक्सर। तो बस यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। अब इस ऑयल के अंदर मैं जो हमने अपना ये मैरिनेशन था हमारा, वो इसमें मैं शामिल करूँगी। तो ये डालकर इसमें हम इसको अच्छे से भूनना है इसके, ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए।
तो पहले मैं इसकी भुनाई करती हूँ, फिर बाद में इसमें ग्रेवी में और चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ इनको मैं अलटते पलटते हुए सेकती रहूँगी, लिड हटाकर चेक करते रहिएगा, बस इनको अलट पलट करके सेकना है और फिर लिड लगा के इनको पका लेना है। तो बस ये हमारा, ये बहुत अच्छे से जो हमारा मैरिनेशन का मसाला था भुन चुका है। तो इसमें मैं थोड़ी थोड़ी करके दही शामिल करूँगी। मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है, हमेशा दही लो फ्लेम पर डालें नहीं तो दही फट जाता है। तो इसमें ये मैं एक कटोरी दही शामिल कर रही हूँ, एक कटोरी से थोड़ा कम है, ये 100 ग्राम दही है। बस इसको शामिल करते हुए मैं सारी इसमें शामिल कर दूँगी और इसको अच्छे से भून लूँगी। तो बस यहाँ मैं ये सारे पीसेस पर, ये पक चुके हैं अच्छे से, बस इन पर बर्न मार्क लाने के लिए, वो बर्रे वाला फ्लेवर लाने के लिए मैं इनको यहाँ पर थोड़े से बर्न मार्क्स ले आऊँगी इन पर। और इधर हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है। बस इस ग्रेवी में देखिए दही अच्छे से पक चुकी है। यहाँ पर मेरे पास 200 ग्राम क्रीम है, मैं वो इसमें शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप इसमें घर की मलाई भी शामिल कर सकते हैं। बस इसको भी मिलाकर अच्छे से मुझे पका लेना है। तो बस ये सारे हमारे हो चुके हैं, ये इन पर बर्न मार्क्स आ चुके हैं। मैं इनको इस ग्रेवी में शिफ्ट कर देती हूँ। बस ये सारे ग्रेवी में चले जाएंगे। सारे जो मसाला हमारा पैन पर लगा हुआ है वो भी हम इस ग्रेवी में शामिल कर देंगे, क्योंकि कुछ भी मसाला, ये बहुत फ्लेवरफुल मसाला है, तो ये सारे मसाले इस ग्रेवी में हम शामिल कर देंगे, जो बाद में हम गार्निशिंग के लिए डालेंगे इस पर। बस इसमें जैसी भी आपको थिकनेस चाहिए ग्रेवी की वो आप रखिए आने के लिए। बस इसमें थोड़ा सा मैं आधे कप के आसपास दूध शामिल करूंगी ग्रेवी थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये ग्रेवी बहुत मज़े की लगती है। तो और ये मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया, थोड़ा सा और दूध डालूंगी मैं इसमें, और यहाँ पर मेरे पास है चारकोल, ये मैंने एक कटोरी बना ली है फॉइल पेपर की, इसमें हम चारकोल डाल देंगे और इस पर मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी स्मोक लाने के लिए, जिससे हमारे बर्गर में जो है बिल्कुल तंदूर वाला फ्लेवर आ जाए। और मैं अब इसको बंद कर दूंगी। तो बस ये सारा जो स्मोकी फ्लेवर है हमारे चिकन में आ जाएगा, तो ये बहुत शानदार चिकन बर्गर बनकर तैयार होगा। ये सारा स्मोक हमने इसमें कैप्चर कर लिया अपनी डिश में, इसको अब हम हटा देंगे। तो अपनी डिश अरेंज करते हैं हम, जिसमें हमें करना है अरेंज। एक मिनट, हमारा ये बनकर तैयार है। तो ये हमारा बनकर तैयार है बर्रा विद ग्रेवी। इसको इसके ऊपर अगर आप चाहें बटर डालिए तो इससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा बटर से। ये सॉल्टेड बटर है। इसकी ग्रेवी इतनी सिल्की और स्मूथ होती है कि इसे बच्चे और बड़े सब खाना पसंद करेंगे। आप इसे अपने घर में बनाइए, इंशाल्लाह आपको ये बेहद पसंद आएगी। और इस रमज़ान में खूब अच्छा खाइए, मज़े की रेसिपी बनाइए। और मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इतनी ही उम्दा रेसिपी लाती रहूँ। शुक्रिया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।